गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। चलिए, दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ में। तो आज हम निकल रहे हैं थोड़ा सा राजस्थान साइड में, तो अभी तो वृंदावन चलेंगे। तो अभी हम लोग आगरा एक्सप्रेसवे पे हैं। तो चलिए आज के वीडियो पर शुरुआत करते हैं। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई। अब देखिए, आज से मेरी ट्रैवल जो है स्टार्ट हो रही है भाई। अभी देखिए दीपावली का समय आ गया है, तो फिर अब जो है लोग अपने अपने घरों की तरफ जो है जाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो फिर जो है ये देखिए टोल पे अभी देखिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन अभी जैसे 2 बजे के बाद में आज से छुट्टी भी पड़ रही है लोगों की ऑफिस की, तो आज से जो है सब काम स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों की भी गाड़ी आ गई, चलते हैं फिर निकलते हैं। आ चुके हैं हम लोग कन्नौज। बस यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश होना था और नाश्ता पानी करना था। बस उस जैसे ही नाश्ता पानी करके फिर उसके बाद में निकलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। यहाँ का लोकेशन कुछ ऐसा है, अभी दोपहर का टाइम है तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है। बस शाम को 6 बजे भाई यहाँ पे बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि एकदम स्पेस ही नहीं रहता है भाई साहब। सुबह से खाना भी नहीं खाए थे, बस जैसे आए यहाँ पे तुरंत खाना पीना खाएं, अब निकल रहे हैं अपने लोगों से। अभी मुझे यहाँ से 3 घंटे करीब लग जाएगा आगरा पहुँचने में। चलते हैं ऊपर रेस्टोरेंट में, फिर कुछ खाते पीते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी जो है शॉपिंग सेंटर भी खुला हुआ है भाई। नाश्ता वगैरह हो गया है, अब चलते हैं। धूप तो इतनी ज़्यादा हो रही है, लेकिन चलिए ठीक है। रास्ता आज पता नहीं क्यों गाड़ी चलाने का मन नहीं कर रहा है। तो जी खाना पीना हो गया है, बस हम निकलते हैं अपने लोकेशन तक। चलिए यात्रा शुरू करते हैं, ऐसे ही आप लोग बने रहिए चैनल पर। भाई 10 मिनट में पहुंच जाएंगे आगरा। बस काफ़ी गाड़ी चला ली है अभी तो। ये रोड जो है बारिश में जो ख़राब हुई थी, लेकिन फिर से बनाया जा रहा है इसको। आ चुके हैं हम आगरा में और 3 घंटा लगा है, काफ़ी थकान लग रही थी। तो अभी टोल क्रॉस किए हैं, तो भाई आगरा के टोल से अब क्रॉस हो गए हैं। अब निकल रहे हैं मथुरा के लिए। थोड़ा सा थकान हो रही थी तो सोचे थे कि यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लें। टोल के पास का लोकेशन कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है भाई। इतना ज़्यादा थकान हो रही थी ना कि एकदम बिल्कुल खाए पिए नींद भी लग रही थी थोड़ा सा। यहाँ पर सोचे कि शरीर सही कर लिया जाए। ये इसमें जो ट्रक वगैरह हैं, इसमें जो है अनाज वगैरह जो है ये जहाँ से तैयार हो गया है, अब ये एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। तो ये लोग जो है रात भर तो गाड़ी चलाए हैं और अभी जो है रेस्ट कर रहे हैं। अभी लोग फिर मतलब ज़्यादातर ये लोग जो है रात में ही गाड़ी निकालते हैं, क्योंकि दिन में तो गाड़ी चलती नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो ये लोग रात रात में ही गाड़ी चलाते हैं। इन लोगों की भी हिम्मत है भाई। एक स्पीड देख रहे हैं आप, एकदम बिल्कुल समझ लीजिए एकदम रॉकेट की तरीके से निकल रही हैं। अभी जो है समय हो रहा है 3 और हो सकता है मुझे अभी 2 घंटे लगेंगे मथुरा पहुँचने में। जब पहुँचते हैं फिर उसके बाद में आगे भी दिखाएंगे। हुआ क्या था कि अचानक से मेरा प्लान बना था यहाँ पे मथुरा चलने का। सभी लोग कहने लगे कि चलिए चलते हैं, तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, स्टार्ट कर दिया भाई अपनी जर्नी और सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दें। एक छोटा सा ढाबा टाइप का है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से भाई। बहुत दिनों के बाद में दीपावली की छुट्टी हुई थी, तो उसी में जो है मैंने अचानक जो है ट्रैवल ट्रिप का प्लान बनाया था। तो जा रहे हैं थोड़ा सा बाकी बिहारी मंदिर वगैरह अगर गए तो फिर वहाँ कभी आप लोगों को जो है भाई गाड़ी इतनी स्पीड में निकल रही ना यहाँ से कि आपसे क्या बताएं। हम लोग तो चले थे वहाँ से कहीं 12 बजे और 3 बजे आ गए हैं। 3 घंटे थोड़ा सा रेस्ट भी लिए थे क्योंकि लगातार गाड़ी को चलाना जो है दिक्कत कर रहा था। और गाड़ी के साथ भाई ज़बरदस्ती तो करनी नहीं चाहिए। और मुझे आपको पता ही है कि मैं गाड़ी को अपने हिसाब से चलाता हूँ। और भाई आगरा का जो टोल है वहाँ पे मतलब कि जो लोग भी लखनऊ से आते हैं ना, तो यहीं पर आके ज़्यादातर जो है अपना जो है
ब्रेकफास्ट हो गया या ब्रंच वगैरह जो भी करना होता है तो यही भी लोग करते हैं। और गाड़ियाँ इतनी स्पीड में निकल रही हैं, और ये जो आप जो लाइटिंग देखती हैं ना, अब हम इससे पहले अगर देखे होंगे तो अगर कोई भी अगर ब्लॉग आया होगा मेरा तो उस पर जो है ये रात में लाइटिंग वगैरह दिखाई पड़ती थी, लेकिन वो है क्लियर नहीं आता था, तो मैंने सोचा कि आपको दिन में भी दिखा दें। और यहाँ से आपको दिल्ली वगैरह अगर जाना है तो ये रोड जो है सबसे बेस्ट है। मैं देख रहे हैं ये जूम करके अगर आपको दिखाते हैं, ये सारा का सारा जो है आपका बाजरा है, और ये इस इलाके में जो है सबसे ज़्यादा होता है। और एक खास चीज़ दिखाते हैं आप लोगों को कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है रोड के दोनों साइड में टोल के साइड में ये सोलर प्लांट लगा हुआ है, और जितना भी यहाँ पे मतलब कि आपका जो पावर बैकअप जो मेंटेन होता है ना वो इसी जो है सोलर प्लांट से ही होता है। अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि देखिए ऐसे लोकेशन पे पावर बैकअप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये जो है आपका सोलर प्लांट से ही पॉसिबल होता है। आ गए हम लोग ये आगरा एक्सप्रेसवे से, अब निकल लिए हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, और बस कुछ ही मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद में चलते हैं दर्शन करते हैं। और भाई मौसम एकदम बढ़िया हो गया है, अब तो थकान वगैरह लग ही नहीं रही है। वैसे कंटेंट तो जी आ चुके हैं हम बांके बिहारी के दरबार में, और अभी कुछ सब्सक्राइबर मुझसे मिलने आ रहे हैं तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं, बस जैसे आते हैं कि उनसे मिल के फिर उसके बाद में आगे निकलते हैं। और चलते चलते जो है काफ़ी शाम हो गई है, ठीक है, अच्छा लगा, सफ़र अच्छा रहा, अब दर्शन करके फिर उसके बाद में फिर थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद में सभी शाम को आपको भी वृंदावन का कुछ नज़ारा दिखाएंगे, फिर उसके बाद में वीडियो एंड करेंगे, तब तक वीडियो पे बने रहिए आप लोग। ये यमुना एक्सप्रेसवे जो है आपका आगरा एक्सप्रेसवे से ही बिल्कुल कनेक्टेड है, और इससे जो है मान लीजिए कि आपकी जो दिल्ली की जो दूरी है वो काफ़ी कम समय में आप तय कर सकते हैं। तो जितने भी लोग अगर आगरा एक्सप्रेसवे से दिल्ली जाना चाहते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे से ही जाते हैं। यहाँ पे जो गाड़ियों की जब गाड़ी निकलती है ना तो इनके टायर से इतनी तगड़ी आवाज़ आती है, मतलब कि उससे साफ पता लगता है कि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है, लेकिन ऐसे नहीं पता लगेगा। अब जैसे देखिए ये गाड़ी आ रही है, अभी नहीं है, जब निकल रही है अब देखिए इसकी आवाज़। ओके, अस्त होने का टाइम हो गया है, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है नज़ारा। और ये जो सामने खेत देख रहे हैं इसमें शायद आलू वगैरह लगाना है, तो खेत तैयार हुआ है और हो सकता है बस एक दो सप्ताह में यहाँ पर आलू की बुआई हो जाएगी। देखिए भाई अब हम लोग जो है बांके बिहारी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, और थोड़ा सा टाइम भी हो गया हम लोगों को लखनऊ से आने में। भाई दर्शन तो हो गए हैं, बाकी जो है अंदर जो है कैमरा अलाउ नहीं था, इस वजह से जो है हम फोटो वगैरह जो है नहीं खींच पाए, लेकिन मार्केट भाई साहब रात में तो देखने बहुत अच्छी लग रही है। और अभी आज देखिए भीड़ नहीं है, भीड़ इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे जो है अभी जो है दीपावली का त्यौहार है, और यहाँ पे जन्माष्टमी होली और शिवरात्रि के टाइम में भाई पैर रखने की जगह नहीं होती है, और सैटरडे संडे को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि जितने भी बाहर के लोग हैं ना वो अपने मतलब कि छुट्टी भी होती है तो फिर यहीं पर आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। और भाई साहब यहाँ पर खाने पीने की तो काफ़ी अच्छी दुकानें लगी हुई हैं। हम लोग जो है दर्शन करने आए थे, लेकिन अब जो है यहाँ पे रूट चेंज कर दिया गया है, जिस रास्ते से आप जाते हैं आपको जो है निकास द्वार जो है दूसरी तरफ में है। और भाई साहब यहाँ पे जो भगवान की पोशाक वगैरह की जो है काफ़ी दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानें हैं। दोस्तों आ गए हम लोग जो है राधा वल्लभ मंदिर में, और अभी देखिए पर्दा लगा हुआ है, अभी आप लोगों को दर्शन करवाएंगे। यहाँ पे तो पंडित जी जानने वाले हैं तो उन्होंने जो है परमिशन दे दिया है, बस जैसे ही पर्दा खुलता है हम आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। ये देखिए भाई साहब ये हैं राधा वल्लभ जी।
वाकई बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ सरकार की आशीर्वाद बनाए रखिए। यहाँ पे जो है होली के समय में आते हैं तो यह बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, अभी तो ऐसा टाइम हो गया है, इस वजह से जो है ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है काफ़ी यहाँ पे। जय और इधर जो है यहाँ पे लोग जो है जाप वगैरह करते हैं, और यहाँ पे जो है सामने के सब जो है थोड़ा सा जो है सत्संग वगैरह भी होता रहता है जो हमेशा चलता रहता है। और ये देखिए बहुत कोशिश किया है तब आप लोगों को जो है दर्शन करवा रहे हैं। दादा बल्लभ में दर्शन करने के बाद भी थोड़ा सा हमें बैठ जाएँ दर्शन कर लें अच्छे से, क्योंकि ऐसा मौका जो है बार बार नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग दर्शन कर रहे हैं और आपको भी दर्शन करवा रहे हैं। भाई साहब पंखा देखिए कितना बड़ा है, ये देखिए भाई साहब ये होती है भक्ति। भाई साहब दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं, बस अब निकलते हैं अगले मंदिर के लिए और वहां से भी दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। भाई साहब रास्ता इतना जा सकता है ना कि आपसे क्या ही बताएं। राधे ये देखिए यहाँ पे मंदिर से निकलते हैं, यहाँ पे कुछ दुकानें भी लगी हुई हैं, मतलब यहाँ पे दो ही चीज़ मेन है, या तो भगवान के वस्त्र वगैरह हैं और या तो फिर फूल। फूल तो भाई साहब यहाँ पे इतना ज़्यादा है ना कि आपसे क्या ही बताएं। यही जो रास्ता है ना, ये रास्ता भाई होली के समय जो है इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि आपसे क्या बताएं, यहाँ पे बिल्कुल पैर रखने की जगह ही नहीं रहती है। और मंदिर जो है ये कुछ ऊंचाई पे बना हुआ है, मथुरा के पेड़े जो काफी ज्यादा फेमस हैं। भाई साहब भूख तो बहुत जोर लगी है, लेकिन साथ में और भी लोग हैं जिनका व्रत है, इसी वजह से जो है हम कुछ खा नहीं सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है ना, इसी वजह से। अब ये देखिए यहाँ पे भाई ठंडी में भी दही चलता है यहाँ पे जो है बहुत ये परफ्यूम्स वगैरह की है, जो मतलब भगवान को जो परफ्यूम चढ़ता है ना वही परफ्यूम है। यहाँ का पान काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मीठा पान होता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों से पसंद किया जाता है। आपको जो है छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें दिखाई पड़ जाएंगी यहाँ पे। जो है अपने अपने घर पे जा रहे हैं, जाने लगे हैं, मतलब कि अब देखिएगा सुबह जो है ना यहाँ पे एकदम से भीड़ हो जाएगी, क्योंकि अब समय आती हो चुकी है अब, और सब दुकानें भी बंद होने लगी हैं, तो इस वजह से जो चाहिए। भाई दर्शन करके हम लोग आ गए थे और काफ़ी हाथ थक गए हैं, चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय 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 बाय। और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।